थ्री डी करना है और मैं आपको ट्रांजिशन भी करवा रही हूं। एक डॉग और उसके एक लड़की की पोयम है ये, इसके बारे में। जो डॉग है वो अपने बच्चे के बारे में, वो अपने डॉग के बारे में कुछ बोल रहा है। माई डॉग लिसंस टू मी एंड माई डॉग, तो मेरा जो बेटा है वो मुझे सुनता है जब मैं बोलती हूँ। ही गोज विथ मी फॉर अ वॉक, वो मेरे साथ वॉक के लिए भी जाता है यानी चलने के लिए भी जाता है। व्हेन आई स्लीप ही इज स्लीपिंग टू, जब मैं सोता हूँ तब वो भी सो जाता है। ही डज एवरीथिंग आई डू, मैं जो भी कुछ करता हूँ वो सब कुछ वो भी करता है। ही हैज आईज दैट ऑलवेज शो, उसकी जो आंखें हैं जो मुझे हमेशा दिखाती, मुझे हमेशा बताती है। ही नोज एवरीथिंग आई नो, वो हमेशा मुझे उसकी आंखें क्या बोलती है कि वो सब कुछ जानता है जो मैं जानता हूँ। When I speak, he always minds. Minds यानी यहाँ पे ऐसे mind यानी दिमाग के लेना, समझना। तो जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो वो हमेशा उसे समझता है। He shares with me the things he finds. जो भी चीजें वो खोजता है, ढूंढता है, वो मेरे साथ वो चीजें बांटता है। When other people say I am bad, जब कोई कहता है कि मैं बुरा हूँ, he hangs his head and looks so sad. तो वो अपने मुंह को लटका लेता है, अपने सर को लटका लेता है, यानी मुंह को लटकाना है। Looks so sad, और बहुत ही उदास हो जाता है। He cuddles up and licks my hand. क्या करता है? Cuddles यानी उससे बहुत ही लाड करता है, उससे स्नेह करता है। And licks my hand, और मेरे हाथ को चाटता है। And tells me he can understand, और मुझे कहता है कि वो मुझे समझता है। ओके, ये है पोयम उसके डॉग के बारे में। एक बार फिर से मैं आप लोगों को उसका रीडिंग कर देती हूँ और अगेन ट्रांसलेशन कर देती हूँ। माई डॉग listens टू मी when आई टॉक, आप लोग भी साथ में रीडिंग करो। ही गोज विथ मी फॉर अ वॉक, when आई स्लीप ही इज स्लीपी टू। He does everything I do. He has eyes that always show. He knows everything I know. When I speak, he always minds. He shares with me the things he finds. When other people say I am bad, he hangs on his head and looks so sad. He cuddles up and licks my hand and tells me he can understand. ओके, इस प्रकार से आप लोग को रीडिंग कर लेना है। माय डॉग लिसंस टू मी, मेरा जो डॉग है वो मुझे सुनता है। व्हेन आई टॉक, जब मैं बोलता हूं तब। ही गोज विथ मी फॉर अ वॉक, वो मेरे साथ पैदल चलने के लिए भी जाता है, सैर करने के लिए भी जाता है। व्हेन आई स्लीप, जब मैं सोता हूँ स्लीपिंग, वो भी सो जाता है, उसे भी नींद आने लगती है। स्लीपी टू, ही डज एवरीथिंग आई डू, सब कुछ करता है जो भी कुछ मैं करता हूँ। ही हैज आईज दैट ऑलवेज शो, उसकी जो आंखें हैं वो हमेशा दिखाती है, क्या दिखाती है? ही नोज एवरीथिंग आई नो, जो भी चीजें मैं जानता हूँ सारी चीजें वो भी जानता है। व्हेन आई स्पीक ही ऑलवेज माइंड, जब भी मैं बोलता हूँ तो वो हमेशा ध्यान से सुनता है। ही शेयर्स विद मी द थिंग्स ही फाइंड्स, और जो भी चीजें वो खोजता है ढूंढता है वो चीजें मुझसे शेयर करता है, मेरे साथ बांटता है। When other people say I am bad, जब कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं बुरा हूँ, he hangs his head, तो अपने सर को लटका लेता है and looks so sad, और बहुत ही उदास दिखने लगता है, क्या उदास हो जाता है। He cuddles up and licks my hand, तो क्या करता है वो मेरे पास आके मुझसे स्नेह करता है और licks my hand, और मेरे हाथों को चाटता है। And tells me he can understand, और मुझे कहता है, क्या कहता है कि वो मुझे समझता। ओके, इस प्रकार से ये पोयम है, इसमें बहुत सारे टाइमिंग वर्ड्स हैं, वो कर लेते हैं हम लोग। टाइमिंग वर्ड्स आप लोगों को पता है, मैंने बताया है, जो सेम प्रोनाउंस वाले वर्ड्स होते हैं उन्हें टाइमिंग वर्ड कहते हैं। प्रोनाउंस यानी शिक्षा, देखो कौन कौन से टाइमिंग वर्ड हैं। पहला है टॉप, टॉप के जैसा ही है, क्या राइमिंग है यहाँ पर, उसका राइमिंग हो जाएगा फॉक्स। सेकंड राइमिंग यही है कि टू और डू, डबल ओ टू, और यहाँ पर अलग डू। नेक्स्ट है शो,
तो इसे हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। फिर उसके बाद जो बी है, एक्टिविटी नंबर ए का जो बी है, उसमें क्या है, राइट डॉग हु डज व्हाट विथ द हेल्प ऑफ पोएम। ठीक है, तो कब कौन क्या करता है वो हमें लिखना है। डॉग क्या कर बोलता है या डॉग क्या करता है, जब मैं यानी जो ये पोएम लिखी गई है, जो उसके पोएट है वो उन्होंने लिखा है, तब जब पोएट क्या करते हैं, जब पोएट कुछ भी करते हैं या कहते हैं, तो डॉग क्या करता है, उसकी एक्टिविटी लिखनी है और पोएट क्या करते हैं वो लिखना है। तो इसको मैंने लिया है द डॉग। डॉग क्या करता है, व्हेन टॉक, तो मैं टॉक करता हूँ, मैं बोलता हूँ, तो डॉग क्या करता है, सुनता है, वहां पर क्या लिखोगे, लिसन। और वॉक, डॉग वॉक करता है, तो मैं भी क्या करता हूँ, वॉक ही करता हूँ, दोनों वॉक करते हैं। स्लीप, जब ये सोता है तो डॉग भी सोता है, तो यहाँ पर भी स्लीप आ जाएगा। नोज, वो भी सब कुछ जानता है, तो यहाँ पर भी नोज आएगा। माइंड, माइंड यानी समझता कब है, जब मैं कुछ भी कहता हूँ तब, है जब भी मैं कुछ कहता हूँ, माइंड के आगे क्या आ जाएगा, स्पीक। और फाइंड्स के आगे क्या आ जाएगा, ढूंढना, तो ढूंढता है, तो फिर क्या करता है, वो मेरे साथ शेयर करता है, वो ढूंढेगा मेरे साथ शेयरिंग करता है। तो ट्राई करना लिखने का, बाकी इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को करवाऊंगी। माय स्टूडेंट्स, थैंक यू।